बीते दिनों खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद नीमच का आरटीओ विभाग भी सक्रिय हो गया है और बसों की जांच की जा रही है। खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद नीमच आरटीओ विभाग भी सक्रिय हो गया है। जहां अनफिट बसों की जांच की जा रही है, वहीं परमिट और अधूरे दस्तावेजों को भी पूरा कराया जा रहा है। इसको लेकर आरटीओ रितु अग्रवाल ने बस संचालकों की बैठक भी ली, जिसमें बस संचालकों को अनफिट बसों को तुरंत कंप्लीट कराने और परमिट सहित सभी दस्तावेज बनवाने के निर्देश दिए। आरटीओ अधिकारी रितु अग्रवाल ने बताया कि नीमच में अधिकतर बसों के परमिट जारी है। अनफिट वाहन, अधूरे दस्तावेज या क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में भी आरटीओ विभाग और यातायात पुलिस द्वारा वाहन ड्राइवर और कंडक्टरों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों खरगोन में हुए बस हादसे में करीब 25 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं अनेक लोग घायल हो गए थे। इसके मद्देनज़र अब नीमच में भी आरटीओ विभाग द्वारा सभी बसों की जाँच की जा रही है।